हेलो दोस्तों, तो हम लोग जून से अगस्त की मैगजीन को स्टार्ट कर चुके थे। इंटरनेशनल रिलेशन के दो टॉपिक हो गए थे, तो इस वीडियो में हम लोग 2.3 और 2.4 को कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे पेजेस इन्वॉल्व नहीं है, मतलब घुमा फिरा के 3-4 पेजेस ही होते हैं, तो इसको जल्दी से कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2.3 जो टॉपिक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस है। और लास्ट सीरीज़ था मार्च टू मे वाला, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस में जब कराऊँ तो जिनका नाम मैं मेंशन कर रहा हूँ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर खोल के देखिएगा। UPSC इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के अबाउट अस से आपको स्टेटमेंट्स उठा के देगी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो करती है ये, आप चाहो तो आप खुद से जाके भी चेक कर सकते हो। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई क्वेश्चन है, आपको डिटो सेम टू सेम चीज़ आपको मिल जाएगी उनके वेबसाइट पर, ठीक है। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार ही कि आप लोग खुद से भी यहाँ पे इनकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वाली, उसको देख लिया करिए। तो चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस में जो हमें सबसे पहला चीज़ पढ़ना है वह है कि इंडिया को यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सेलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। मतलब यही इलेक्ट कर लिया गया है। तो इसका मैंने आपको ऑलरेडी प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ ऑलरेडी समझाया हुआ है इसके पहले ही, ठीक है। तो यह जो बेसिकली इलेक्शन है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, ये आप देख सकते हैं कि 2 साल के लिए हुआ है, 2 टर्म, मतलब 2 ईयर्स का टर्म होगा। और यह टर्म जो है यह अगले साल से स्टार्ट होगा, दैट इज January 2021 से, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यही है कि इंडिया जो है यह एकमात्र कैंडिडेट था जो एशिया पैसिफिक स्टेट से एंडोर्स था, ठीक है। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि किस तरीके से अफगानिस्तान ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया था, तो इस कारण से यह सिंगल हो गया, एक तरीके से इसको कोई कॉम्पिटिशन नहीं मिला था इंडिया को, ठीक है। और यहाँ पे 184 वोट्स इन्होंने जीता 192 बैलेट कास्ट में से, मतलब जितने यहाँ पे बैलेट जितना कास्ट किया गया था उसमें से 192 में से 184 यहाँ पे इंडिया के फेवर में था, ठीक है। अब यहाँ पे वही है कि यह जो 2 ईयर का टर्म है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, यह 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाला है। और यह 8वीं बार है जो इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे UNSC में सेलेक्ट हुआ है। इसके पहले भी इंडिया कई बार सेलेक्ट हो चुका है, दैट इज 7 बार हो चुका है, यह 8वीं बार है। तो 7 बार कब कब हुआ है, तो 1950-51, 67-68, 72-73, 77-78, 84-85 और 91-92 और फाइनली 11-12 में भी हो चुका है, ठीक है। तो 11-12 के बाद आप देख सकते हैं कि 21-22 तक इनका रहेगा जो मतलब मेंबरशिप रहेगा 2 साल के लिए, ठीक है। और उस टाइम पे मैंने आपको ये भी समझाया था कि यहाँ पे इमीडिएट मेंबरशिप वापस से नहीं मिलती, मतलब 2022 में अगर इंडिया की मेंबरशिप खत्म होती है तो वापस से ये रीइलेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रूल है इसके अंतर्गत। इंडिया के अलावा यहाँ पे आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे भी, इनको भी यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्शन मिला है एज नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि कीनिया और जिबूती के बीच में भी पंगा हुआ था, मतलब उनमें कोई एक पर्टिकुलर फाइनल हमें नहीं मिल पाया था, तो उस कारण से वापस से जो वो है वोट कास्टिंग हुई थी और उसके में कीनिया को यहाँ पे मिल गया था, 2/3 मेजोरिटी यहाँ पे, 2/3 चाहिए। तो अब यहाँ पे पूरा आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 परमानेंट मेंबर आते हैं जिनके पास वीटो पावर्स रहता है। तो ये 5 मेंबर्स कौन से हैं, तो US, चाइना, UK, रशिया, फ्रांस, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हो जाते हैं जिनके पास कोई भी वीटो पावर नहीं होता है। अब ये जो आप देख रहे हो इमेज, इसमें बेसिकली बताया गया हुआ है कि 5 रीजन में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ 5 रीजन से ही नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये जो 5 आप मेंबर्स देख रहे हो तो चाइना, फ्रांस, रशिया, USA और UK हो गए, ठीक है। बाकी के जो 10 यहाँ बच रहे हैं उनमें से 2 जो है वो अफ्रीकन रीजन को चला जाता है, 3 जो है वो एशियन रीजन को जाता है, 2 जाता है लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन को, और 2 जाता है वेस्टर्न यूरोप को, और आखिरी 1 जाता है ईस्टर्न यूरोप को, ठीक है। तो ये एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि यहां पे आपको लग रहा होगा कि 2 साल का मेंबरशिप है तो हर 2 साल पे यहां पे इलेक्शंस होते होंगे, तो पर ऐसा नहीं है। हर साल यहां पे जनरल असेंबली का इलेक्शन होता है और 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है 2 सालों के लिए, ठीक है। और इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर की तरफ बताया। अब यहां पे मैंने जैसा बता दिया था कि रिटायरिंग मेंबर जो है वो इमीडिएट रीइलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। साथ के साथ ये जो इलेक्शन होता है ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है और यहाँ पे कोई भी नॉमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। अब 10 परमानेंट मेंबर की सीट्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन रीजनल बेसिस, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। अब यहाँ पे इसको क्लब करके इन्होंने बताया है कि देखिए 2 मैंने अफ्रीका के बारे में बताया था, 3 एशिया के बारे में, तो इसी को क्लब करके बता रहे हैं कि 5 होते हैं अफ्रीकन और एशियन स्टेट से, 2 होते हैं लैटिन अमेरिकन स्टेट से, 1 होते हैं ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और 2 होते हैं वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स से, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। तो अब बात यह आती है यहाँ पे कि इंडिया की प्रायोरिटीज़ क्या रहने वाली हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो जब इनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक ब्रोशर को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था जिसमें इंडिया की प्रायोरिटीज़ को आउटलाइन किया गया था, आउटलाइन करके बताया गया था कि यही प्रायोरिटीज़ जो है इसको फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पे वही चीज़ बताया इस ब्रोशर के, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया जो है ये 5 प्रायोरिटीज़ के द्वारा गाइडेड रहेगा और इसको एक थीम के तौर पर इन्होंने बताया, इसका नाम है नॉर्म्स, ठीक है। नॉर्म्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म
मल्टीलेटरल सिस्टम, ठीक है। तो यही फोकस रहेगा। तो इसमें जो पांच प्रायोरिटीज हैं उसको एक एक करके देख लेते हैं। पहली प्रायोरिटी है न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस, मतलब नई अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे एक तरीके से देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हम लोग नया रास्ता निकाल सकते हैं, वही नए अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना उसी को कह सकते हो आप, ठीक है, जिससे प्रोग्रेस ऑब्वियसली हो जाए। फिर एक इफेक्टिव रिस्पांस कही जाने की बात हो रही है कि जो भी इंटरनेशनल टेररिज्म है उसके अगेंस्ट। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि मल्टीलेटरल सिस्टम को रिफॉर्म करना है, क्योंकि अभी के टाइम पर देखिएगा तो जो भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रिफॉर्म करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चौथा पॉइंट आता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखने की ज़रूरत है, जिससे ऑब्वियसली अगर देखा जाए ट्रेड भी बूम करेगा और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन रहेगा। और आखिरी जो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट उठाया हुआ है, प्रायोरिटी उठाया हुआ है, वो है कि टेक्नोलॉजी को यहाँ पे प्रमोट करेंगे और इसमें ह्यूमन टच भी डालेंगे, और इन दोनों का यहाँ पे जब कोऑर्डिनेशन बनेगा तो इससे एक सॉल्यूशन तक पहुँचने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी विद अ ह्यूमन टच एज अ ड्राइवर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पांच प्रायोरिटीज़ हैं, इसको आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ लिया जाए। अब आपको नॉर्म्स तो याद होना ही चाहिए कि नॉर्म्स किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यह बेसिकली इंडिया की प्रायोरिटी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि री इलेक्ट हुए हैं यहाँ पे, तो ये ध्यान में रखना है। अब यह जो प्रायोरिटीज़ है इसका इंप्लीमेंटेशन ये कैसे करेंगे, तो यह 5S अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको नॉर्म्स भी पता होना चाहिए और 5S अप्रोच जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये भी पता होना चाहिए। तो 5S में क्या आ जाता है, तो यहाँ बताया जा रहा है सम्मान दैट इज़ रिस्पेक्ट, संवाद दैट इज़ डायलॉग, सहयोग दैट इज़ कोऑपरेशन, शांति दैट इज़ पीस, समृद्धि दैट इज़ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पांचों देखिएगा तो पांचों आपको यहाँ पे आपको किसी तरह यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता हुआ ये पांचों प्रायोरिटीज में मिल जाएगा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड आपका टॉपिक फिनिश हुआ। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको एक बारी खोल के देख लीजिएगा, ठीक है, अबाउट अ सेक्शन जरूर पढ़िएगा। तो अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आर्म्स ट्रेड से रिलेटेड, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि चाइना ने बोला है कि वह यूएन का जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है उसको ज्वाइन करेगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, तो इसको देखते हैं। तो अब समझते हैं कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी आखिर होता क्या है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि यह पहला लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि कन्वेंशनल आर्म्स का जो ग्लोबल ट्रेड है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, लीगली बाइंडिंग है ये ध्यान में रखिएगा, पहला है ये ध्यान में रखिएगा, और कन्वेंशनल आर्म्स का जो यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड है इसको रेगुलेट करने का काम आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के द्वारा किया जाता है। अब ये कैसे होता है, तो यह ट्रीटी को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे इन्होंने कॉमन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सेटअप करके रखा है, एस्टैब्लिश करके रखा है, जो यहां पे इस ट्रीटी को फॉलो करने वाले मेंबर्स कंट्रीज के ऊपर में इन्फोर्स होता है, ठीक है। अब इसमें बताया जा रहा है कि इसमें 102 स्टेट पार्टीज हैं, और लेबनन जो है ये सबसे रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया है, लास्ट मंथ ही इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें एडिशनल 34 और सिग्नेटरीज हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको साइन किया हुआ है पर रेटिफाई नहीं किया हुआ है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सिग्नेचर और रेटिफिकेशन में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब कुछ एक यहाँ पे कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको मतलब ना साइन किया है और ना ही रेटिफाई किया है, तो वो कौन सी कंट्रीज हैं, तो वो है रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया और सीरिया। तो इंडिया इसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने ना साइन किया है ना रेटिफाई किया है, और चाइना जो है अभी सोच रहा है कि वो शायद नेशन का जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है इसको ज्वाइन करेगा। तो अभी तो ये साइंड नीदर साइंड नॉर रेटिफाइड में आ जाता है, पर आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या हो सकता है कि इसका पार्ट बन जाए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको लाया गया अप्रैल 2013 में, और यह फोर्स में आया दिसंबर 23, 2014 में, ठीक है। इसका काम क्या है, तो यह बेसिकली एमिनेशंस और म्यूनिशंस को यहाँ पे रेगुलेट करने का काम करता है। और ये जो एम्यूनिशन और म्यूनिशंस हैं ये बेसिकली फायर्ड होने चाहिए, लॉन्च्ड होने चाहिए, डिलीवर्ड होने चाहिए कन्वेंशनल आर्म्स के थ्रू, और इस ट्रीटी के अंतर्गत भी आते हों, तो इन्हीं को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कन्वेंशनल आर्म्स को ये रेगुलेट करने का काम करता है, तो इसलिए एम्यूनिशंस और म्यूनिशंस को भी रेगुलेट करने का काम करेगा ही, पर यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके बताया हुआ है। इसके अलावा रेगुलेशन के अलावा ये मॉनिटर करने का भी काम करता है कि आर्म्स का एक्सपोर्ट जो है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, और ये भी इंश्योर करता है कि वेपन्स का जो सेल है या एक मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर किसी कंट्री ने यहाँ पे आर्म्स एम्बार्गो लगाया हुआ है, दैट इज़ आर्म्स बैन लगाया हुआ है, तो उसको ब्रेक भी ना करे, तो ये भी ध्यान रखा जाता है इसके द्वारा, ठीक है, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के द्वारा। इसके अलावा यहाँ बोला जा रहा है कि अगर किसी नेशन को पता चलता है कि यह जो वेपन्स इनके द्वारा दिया गया हुआ है या जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या फिर वॉर क्राइम्स या टेररिस्ट अटैक के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उस केस में उनको ज़रूरत होगा नेशन को कि वह ट्रांसफ़र न करे वेपन्स को, जिससे इस चीज़ के लिए इस्तेमाल न किया जाए। तो घुमा फिरा के यही कहने की बात है कि नेशंस यह इंश्योर करेंगे कि उनके जो भी वेपन्स दिए गए हैं वह वॉर में या फिर ह्यूमैनिटी को एकदम से तार तार करने के लिए या फिर वॉर क्राइम्स में, जेनोसाइड में, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो यह भी ध्यान रखना होगा नेशन।
कन्वेंशन को। तो अब आ जाते हैं कि कौन और भी कन्वेंशनल जो आर्म्स हैं जो कि यहाँ पे एटीटी कवर करता है, दैट इज आर्म्स ट्रेड ट्रीटी कवर करता है। तो और कौन से कन्वेंशनल आर्म्स हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें आ जाते हैं बैटल टैंक्स, आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स, लार्ज कैलिबर आर्टिलरी सिस्टम्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी आता है, अटैक हेलीकॉप्टर्स भी आता है, वॉरशिप्स, मिसाइल्स एंड लॉन्चर्स भी आता है, और स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेट वेपन्स भी आता है, मतलब बंदूक वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो इतना बड़ा कवरेज होता है कन्वेंशनल आर्म्स जो है हम लोग अभी देख रहे हैं, जिसको रेगुलेट करने का काम आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन वाला टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स को देखेंगे और इसमें एक ही हमें पढ़ना है, दैट इज इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट को साइन किया है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसको अगर जिन लोगों ने देखा होगा उनको इस टॉपिक को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। और इस टॉपिक के अलावा फिर मिसेलेनियस है, तो मिसेलेनियस में काफ़ी छिटपुट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। तो अब जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है उसको एक बारी पढ़ लेते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो सबसे पहली चीज़, आप इस मैप में लोकेशन देख लो। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि इजराइल कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये इजराइल है। ठीक है, और यूएई देख रहा है आपको, यहाँ पे अरब कंट्रीज़ में यूएई आ जाता है यहाँ पे इस लोकेशन पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दोनों का लोकेशन आपको पता चल गया और मैंने आपको बहुत बारी दिखाया हुआ भी है, समझाया हुआ भी है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है, तो इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक मेजर डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट को साइन किया है और इस एग्रीमेंट का नाम है अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड क्या है तो इसको देखते हैं आगे। तो अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत बोला गया है कि यूएई जो है यहाँ पे इजराइल के साथ में फुल नॉर्मलाइजेशन करेगा रिलेशंस का। ठीक है, यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे इस अकॉर्ड के पहले तक यूएई जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता था इजराइल को, और इस कारण से इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक नॉर्मल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। अब इसमें आपको अरब कंट्रीज़ के साथ जो वॉर वगैरह चला था, तो वो सब चीज़ें अगर आपको जानना है जो मेन्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको खाली सर्च करना है इजराइल यूएई, तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बात यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में नॉर्मलाइज करना है रिलेशनशिप को, तो यूएई ने ये बोला है। और इसराइल इन एक्सचेंज में क्या करेगा, तो इसराइल इन एक्सचेंज में उनका जो एनेक्सेशन पॉलिसी उन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने बनाया था कि वो वेस्ट बैंक की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करेंगे, तो उनको वो एनेक्सेशन पॉलिसी को सस्पेंड करना होगा। ठीक है, तो इस अकॉर्ड को रिस्पेक्ट करने के लिए इसराइल ने भी यहाँ पे प्लेस किया कि वहाँ जो उनका एम्बिशन था कि वो एनेक्स करेंगे यहाँ पे वेस्ट बैंक के पार्ट को, तो उसको भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो अब यहाँ थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया गया है कि 1967 में जो मिडिल ईस्ट वॉर हुआ था, तो उसमें इसराइल ने वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 2019 में क्या हुआ, तो इसराइली प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा यहाँ पे प्लान स्टेट किया गया कि वह जो वेस्ट बैंक के इसराइली सेटलमेंट्स हैं उसको वह एनेक्स कर लेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ बोला गया, और इसी एनेक्सेशन पॉलिसी को यहाँ पे सस्पेंड करने के लिए यूएई ने इनको रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, और बोला था कि अगर अकॉर्ड साइन करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनको जो एनेक्सेशन जो इनका पॉलिसी है इसको रोकना पड़ेगा। तो यह जो अकॉर्ड साइन हुआ, इसके बाद यूएई जो है यह पहली गल्फ कंट्री बन गई जिसका यहाँ पे इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन स्टैब्लिश होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होगा कि पहली गल्फ कंट्री है पर तीसरी अरब कंट्री है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। कैसे, क्योंकि इसके अलावा और दो अरब कंट्रीज़ हैं जिसका यहाँ पे इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो वो है जॉर्डन और इजिप्ट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके अलावा तीसरी यह यूएई बन गई पर पहली गल्फ कंट्री है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये निटी ग्रिटीज हैं, हो सकता है कि आप एग्जाम के टाइम पे भूल जाओ, तो इसलिए मैं स्ट्रेस करके इसके ऊपर बार बार ही बोल रहा हूँ। तो आपका ये टॉपिक हो गया, अब हमें मिसेलेनियस को डिस्कस करना है। तो मिसेलेनियस में सबसे पहला टॉपिक है कि नाफ्टा का नाम चेंज करके अब यूएसएमसीए हो गया हुआ है। तो 2018 में क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको और कनाडा ने यहाँ पे नाफ्टा एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट किया। ठीक है, अब नाफ्टा क्या है, तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब यहाँ पे रीनेगोशिएशन के बाद एक नई डील आई, और इस नई डील का क्या नाम है, तो इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स यूएस मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ठीक है, तो अब आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। नाफ्टा जो है, यह नाफ्टा का क्रिएशन 1994 में हुआ था, जिससे इन तीनों मेंबर कंट्रीज़ के अंतर्गत यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, और साथ के साथ यहाँ के जो लोग हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा मिले। अब ये जो यूएसएमसीए है, यह 1 जुलाई 2020 से यह फोर्स में आने वाला है, मतलब जो रीनेगोशिएटेड आपको एग्रीमेंट दिख रहा है यह इस तारीख से फोर्स में आने वाला है। तो ऑब्वियसली अभी तक तो आ चुका होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं हम लोग सेप्टेम्बर में है, तो ये टाइम तो बीत चुका। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन, दैट इज साकू। तो इंडिया और साकू ने यहाँ पे डिस्कशंस को वापस से रिवाइव किया है, और इनका डिस्कशन किस चीज़ पे रिवाइव हुआ है, तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए यहाँ पे दोनों ने डिस्कशन को चालू कर दिया है। तो 2019-20 में देखिएगा तो इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो ट्रेड रहा है वह $66.7 बिलियन का के आसपास रहा है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो यह अगर इंडिया और साकू के ट्रेड में देखिएगा तो इन दोनों के बीच में सिर्फ $10.9 बिलियन का ही रहा है। ठीक है,
तो अगर ओवरऑल अफ्रीका के साथ कंपैरिजन देखेगा तो यहाँ पे एक मतलब लार्ज पोर्शन है ही, मतलब 1/6 ही है, पर लार्ज पोर्शन फिर भी हो जाता है। अब साकू क्या है? तो साकू बेसिकली इसको सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन आप बोल सकते हो। तो यह एक कस्टम यूनियन है जिसके अंतर्गत बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो कौन सी कंट्री है ये आपको ध्यान में रखना होगा, तो बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और इस्तवानी, इस्तवानी जो पहले इसको स्वाजीलैंड बोला जाता था, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं, ये टोटल 5 कंट्रीज हैं, तो इनका नाम आपको हो सकता है रटना पड़ जाए, क्योंकि अगर आप इसका कुछ बना सकते हो, कोई अगर ट्रिक बना सकते हो तो ट्रिक ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में चांसेस हो सकते हैं आने के, क्योंकि ये थोड़ा हटके और कस्टम यूनियन है इसलिए। और अब यहाँ पे कस्टम यूनियन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर नेबरिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे जितने भी कंट्रीज दिख रहे हैं ये बेसिकली नेबरिंग कंट्रीज ही हैं, और यह नेबरिंग कंट्रीज मिलकर क्या करती हैं कि ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देती हैं, और साथ के साथ अगर कोई कस्टम ड्यूटी लगा हो रहता है एक दूसरे के बॉर्डर पे तो उसको या तो रिड्यूस कर देती हैं नहीं तो अबॉलिश कर देती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन भी एक तरीके का कस्टम यूनियन आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इस केस में भी यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो हटे हुए हैं और कस्टम ड्यूटीज़ भी हैं वो एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो यूरोपियन यूनियन भी इसी तरीके चीज़ है, ठीक है। अब यह जो साकू है दैट इज सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन, यह वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कस्टम यूनियन इसको माना जाता है, और इसका फॉर्मेशन 1910 में हुआ था, तो इस कारण से यह और सुपर इंपॉर्टेंट बन जाता है और हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। तो इसके बाद जो टॉपिक आ जाता है वो है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, यूपीआर प्रोसेस जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एज थर्ड राउंड ऑफ यूपीआर प्रोसेस हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यहाँ पे सर्टेन रिकमेंडेशंस को इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, और इन्होंने कहा है कि इसके अंतर्गत जो रिकमेंडेशंस आएंगे वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिलेटेड होंगे, चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड होंगे, या इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन्वॉल्व हो गया है। तो यह किस तरह की बॉडी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो अब यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो इसके अंतर्गत बेसिकली ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स जितने भी यूएन मेंबर स्टेट्स हैं उनका रिव्यू किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स को रिव्यू करने का काम यूपीआर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो यूपीआर प्रोसेस जो है यह बेसिकली ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ऑस्पिसिस में काम करता है, मतलब इसके अंतर्गत या इसके अंडर में काम करता है। अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है, तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूएन सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है, और इसका काम है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं में यहां पे ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो यही हुआ, और इस चूंकि प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना है तो इस कारण से यह रिव्यू भी करता है, और जो रिव्यू है यह यूपीआर के द्वारा कराया जाता है। तो इसी कारण से आप कह सकते हैं कि यूपीआर का मेन फंक्शन क्या है, तो ह्यूमन राइट सिचुएशन को इम्प्रूव करना जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे, और अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो उसको एड्रेस करना जहाँ पे भी यह होता है, तो ठीक है। तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जो है ये याद रखिएगा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डीमिलिट्रलाइज्ड जोन, ठीक है, डीएमजी भी बोलते हैं। तो रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पे थ्रेटन किया है साउथ कोरिया को कि वो डीएमजी में यहाँ पे ट्रूप्स को भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली टेंशन एस्केलेशन के कारण यहाँ पे ये स्टेप लिया जा रहा है। तो अब ये डीमिलिट्रलाइज्ड जोन आखिर है कहाँ पे, तो यह कोरियन पेनिनसुला का एक रीजन है जो कि नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से डिमार्केट करने का काम करता है, मतलब ये बॉर्डर की तरह एक तरीके से आप कह सकते हो। तो ये जो डीमिलिट्रलाइज्ड जोन है जो कोरियन पेनिनसुला में है, ये 2 किलोमीटर वाइड है और एक बफर की तरह है ये, मतलब किसी का भी नहीं है, ना नॉर्थ कोरिया का है ना साउथ कोरिया का है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रेच अगर आप देखिएगा तो कोस्ट टू कोस्ट है, मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक है। तो पूरी तरीके से ये बाइफर्केट करने का काम करता है कोरियन पेनिनसुला को, और ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ कोरिया हो जाता है, नीचे वाला पोर्शन साउथ कोरिया हो जाता है। और यहां मैंने आपसे बहुत बारी पूछा हुआ भी है कि यह जो 30th पैरेलल है किसको डिवाइड करने का काम करता है, या फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाला पैरेलल क्या कहलाता है, तो इसी को 38th पैरेलल बोलते हैं। और 38th पैरेलल है क्या, तो यह लैटिट्यूड 38° नॉर्थ इसी को बोला जाता है, और यही ओरिजिनल डिमार्केशन लाइन है बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, जब वहां पे वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ था तब यहां पे यह डिमार्केशन लाइन बनाया गया था, ठीक है। अब ये जो डीमिलिट्राइज जोन आपको दिख रहा है, इसका एस्टैब्लिशमेंट इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे एक सीज़ फायर नेगोशिएशन हुआ था, और ये सीज़ फायर नेगोशिएशन यूनाइटेड नेशन और कम्युनिस्ट फोर्सेस के बीच में हुआ था, इस कारण से यह डीमिलिट्राइज जोन बना है, और नॉर्थ कोरिया ने बोला कि अब यहाँ पे वो ट्रूप्स को भेजेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 75th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्बिंग। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था तो यूएसए ने जापान के ऊपर में बॉम्ब गिराया था, ठीक है, और 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। तो उसमें जो सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब था उसका नाम था लिटिल बॉय, और यह हिरोशिमा पे गिरा था जापान में, और यह डेट कब था, तो अगस्त 6, 1945, ठीक है। तो चूंकि 1945 में हुआ तो 75 ईयर्स इसके हो गए हैं। अब यह जो बॉम्ब है हिरोशिमा में जो गिरा था, ये पूरी सिटी को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, और यहाँ पे 140,000 लोगों की मौत भी हो गई थी, और उसके अलावा एटॉमिक बॉम्ब है तो उसका रेडिएशन के कारण बहुत सारे लोग और भी ज़्यादा इंपैक्ट हुए थे। तो इसके यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो बॉम्ब गिराया गया था इसका एक्सप्लोजन फोर्स अगर आप कंपेयर करिएगा तो 20,000 टन्स ऑफ TNT को यह एक तरीके से मतलब इमिटेट करता है या फिर मिमिक करता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा।
इसके अलावा फिर यूएस ने क्या किया था, तो 6 तारीख को तो किया ही बम ड्रॉप, यहाँ पे बम ड्रॉप। इसके अलावा 9 तारीख को भी फिर से एक और बम गिराया, और इस बम का नाम था फैटमैन, और ये नागासाकी जापान में गिराया था। ठीक है, तो 2 बम गिराए गए थे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आता है कि कौन पहले गिरा था कौन बाद में गिरा था, तो इसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से याद करके रखिएगा कि हिरोशिमा में एच जो है वो पहले आता है, तो यहाँ पे पहले बम गिरा था, और एन जो है नागासाकी में बाद, मतलब नागासाकी में एन आ रहा है, एन एच के बाद आता है, तो नागासाकी में बम बाद में गिरा था। तो इसको इस तरीके से याद करिएगा तो अच्छा रहेगा, मैंने भी इसी तरीके से याद किया हुआ है। इसके बाद आता है सार बॉम्बा न्यूक टेस्ट। ठीक है, तो रशिया ने यहाँ पे एक पुराना क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट्री वीडियो को यहाँ पे इन्होंने रिलीज़ किया है। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में बेसिकली दिखाया गया है कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब का एक्सप्लोजन, ठीक है, और जिससे मशरूम क्लाउड वगैरह बनता है, तो वही एक्सप्लोजन के बारे में बताया गया है। इस बॉम्ब का जो ऑफिशियल नेम था वो RDS-220 था। ठीक है, और इसको निक नेम दिया गया था सार बॉम्बा। ठीक है, और इसको कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन एवर कंस्ट्रक्टेड में से था। ठीक है, 1961 में की बात की जा रही है, तो उस समय के हिसाब से बोला जा रहा है। इसका यील्ड अगर आप देखिएगा तो 50 मेगाटन्स था, 50 मेगाटन्स दैट इज 50 मिलियन टन्स था, और अगर आपको इसको इक्वेट करना है हिरोशिमा के बॉम्ब से इक्वेट करिए तो 3800 हिरोशिमा बॉम्ब्स को ये कंपेयर कर सकता है। ठीक है, और इस वेपन को दैट इज सार बॉम्बा को जो यहाँ पे टेस्ट किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था, तो नोवाया ज़ेम्ला ये एक आइलैंड है आर्कटिक ओशन में, तो यहाँ पे किया गया था। अब ये आपको ध्यान में रखना होगा प्लेसेस इन न्यूज़ के हिसाब से। ठीक है, नोवाया ज़ेम्ला एक आइलैंड है आर्कटिक ओशन में, जहाँ पे सार बॉम्बा का न्यूक टेस्ट किया गया था, और ये न्यूक टेस्ट 30 अक्टूबर 1961 को किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ट्रिनिटी टेस्ट के बारे में है। तो जुलाई 16, 1945 को साइंटिस्ट के द्वारा एक यहाँ पे गैजेट वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब को यहाँ पे टेस्ट किया गया। ठीक है, और इसी टेस्ट को यहाँ पे इन्होंने ट्रिनिटी टेस्ट नाम दिया। तो जो बॉम्ब यहाँ पे डेवलप किया गया था, बेसिकली यह बॉम्ब जो है ये यूएस लेड मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप किया गया था, और इसी के अंतर्गत आपका ट्रिनिटी टेस्ट भी चल रहा था। तो इस टेस्ट के बाद विद इन अ मंथ एक और आइडेंटिकल न्यूक्लियर बॉम्ब का डेवलपमेंट हुआ, और इस न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम फैटमैन दिया गया था, और यही फैटमैन हम लोग जानते हैं कि जापानी सिटी नागासाकी के ऊपर में भी गिराया गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं एटॉमिक बॉम्ब का यहाँ पे किस तरीके से फूटता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो एटॉमिक बॉम्ब जो है इसमें इधर आपको यूरेनियम दिखेगा, नहीं तो आपको इसमें प्लूटोनियम दिखेगा, और इसमें फिजन रिएक्शन होता है, जो कि एक तरीके से ऐसा रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियस या फिर एटम जो है ये डिफरेंट पीसेज में एक तरीके से बट जाता है। ठीक है, या फिर यह जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस और या फिर एटम जो है यह ब्रेक अपार्ट हो जाता है दो पीसेज में या दो से ज़्यादा पीसेज में, आप इसको इस तरीके से कह सकते हो, पर दो पीसेज में ही होता है नॉर्मली। ठीक है, और इसके अलावा न्यूट्रॉन्स वगैरह निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, दो से ज़्यादा नहीं, दो जितना लिखा है उसी को मानिए आप। तो ये हो गया आपका एटॉमिक बॉम्ब का जो डेफिनेशन है कि किस तरीके से यह काम करता है, और फिजन का डेफिनेशन भी आपको पता चल गया। तो ट्रिनिटी टेस्ट एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड है, यह ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020। तो इसको होस्ट करने वाला जो कंट्री है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पे इस समिट का जो एम रहा है वो क्या था, तो यहाँ पे बेसिकली फंड रेज करने की कोशिश की गई गावी के लिए। गावी क्या है, तो गावी एक ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है। तो इसी के बारे में बोला जा रहा है कि गावी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को एक जगह लाता है, जिससे यहाँ पे एक जो शेयर्ड गोल है हमारा कि हम लोग इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करें यहाँ पे वैक्सीन्स का, चाहे वो नए हो या फिर पुराने हो या फिर अंडर यूज्ड हो, तो ये उन बच्चों को देना है जो कि पुअर, मतलब पुअर कंट्रीज में रह रहे हों। ठीक है, वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज में रह रहे हों, उन बच्चों को फ्री में या एक तरीके से कह सकते हो आप कि वैक्सीन को प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यही इसका मेन फंक्शन हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा यहाँ पे कितने बच्चों का हेल्प किया जा चुका है, तो मोर देन 760 मिलियन चिल्ड्रंस का हेल्प किया जा चुका है, और यहाँ पे इस हेल्प के कारण 13 मिलियन डेथ्स को प्रिवेंट भी किया जा चुका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि गावी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, इसको आप ये इस तरीके से याद रखोगे तो आसान से याद रहेगा। अब इंडिया ने भी यहाँ पे कमिटमेंट दिखाया है, तो इंडिया ने यहाँ पे $15 मिलियन का कमिटमेंट दिखाया है गावी को, और ये नेक्स्ट 5 ईयर में इस समिट पांच समिट में या इतना सारा इन्वेस्टमेंट जो है या फिर फंड है वो देने वाले हैं। ठीक है, और ये इसी समिट में बोला गया है, तो इस समिट में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेसिकली करेंसी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ईरान के पार्लियामेंट ने यहाँ पे एक बिल पास किया है जिससे वो अपना मॉनेटरी यूनिट जो है उसको रियाल से चेंज करके अब पॉपुलरली नो जो यूज्ड नाम है वो हो जाएगा तोमान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा तोमान क्या है, तो अब मॉनेटरी यूनिट हो जाएगा यह ईरान का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक जो तोमन है उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, तो ये 10,000 रियाल होने वाली है नए सिस्टम के हिसाब से। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, एक नया सिस्टम यहाँ पे एक तरीके से डाल दिया गया है ईरान के द्वारा।
तो यह क्यों डाला गया है यह भी आपको समझने की जरूरत है। तो देखिए ईरान जो है, ईरान प्रेजेंट टाइम पे अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन से वो काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने करेंसी में चेंज लाया है और इसीलिए इन्होंने मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत बड़ा यूनिट है, एक तुमान जो है 10,000 रियाल के आसपास हो जाता है। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है अगर 10,000 रियाल के आसपास का वो बिक रहा है तो उस केस में 10,000 रियाल कैरी करना भी तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एक बड़ा यूनिट इन्होंने बनाया है और इसका नाम दिया है तुमान, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, वह है क्रेन्स ग्रुप। तो सबसे पहली चीज़ ये केन्स ग्रुप किस चीज़ से रिलेटेड है, तो केन्स ग्रुप है क्या तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यह एक कोलिशन है जिसमें 19 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टिंग नेशंस जो है उनका द्वारा बनाया गया हुआ है, ठीक है, इनका कोलिशन है। और यह जो है केन्स ग्रुप ये बेसिकली लॉबी कर रहे हैं कि वर्ल्ड में एग्रीकल्चरल ट्रेड जो है वो और भी ज़्यादा उसको लिबरलाइज करने की ज़रूरत है, मतलब छूट देने की ज़रूरत है। अब केन्स ग्रुप में जितने भी कंट्रीज अगर आती हैं तो यह बेसिकली more than 25% ऑफ वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, 1/4 आप कह सकते हो, ठीक है। इसका फॉर्मेशन जो है 1986 में केन्स ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो केन्स ऑस्ट्रेलिया में होने के कारण ही इसका नाम केन्स ग्रुप पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से यही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भले हम लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री हैं पर फिर भी हम इसके पार्ट नहीं बन पाए हैं, ठीक है। अब केन्स ग्रुप मेंबर्स ने क्या किया है रिसेंटली, इन्होंने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव, और इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस क्या है, तो यह पर्पस यह है कि COVID-19 पैंडेमिक के कारण हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो इस इंपैक्ट को सपोर्ट करने के लिए, मतलब सपोर्ट मतलब यहाँ पे जो हालत ख़राब हुई है एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम की, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे केन्स ग्रुप ने एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। साथ के साथ यहाँ पे जैसे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और फेयर ट्रेड है, इससे रिलेटेड जो भी मतलब इंपैक्ट पड़ा है इनके ऊपर, जो मतलब प्रभाव पड़ा है COVID-19 के कारण, तो इसके इंपैक्ट को भी लिमिट करने के लिए, मतलब ज़्यादा प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पे इन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो सिर्फ इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। COVID-19 पैंडेमिक के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, तो इसको सपोर्ट और यहाँ पे जो इंपैक्ट पड़ा है उसको लेसन करने के लिए यहाँ पे इनिशिएटिव केन्स ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका दोनों टॉपिक फिनिश हो गया जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो IR का पहला वाला पोर्शन तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब खाली सिक्योरिटीज़ रहता है और प्लेसेस इन न्यूज़ रहता है। तो एक और वीडियो आएगा, फिर आपका IR जो है जून टू लेके अगस्त वाला वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए मिसेलेनियस में, इसमें कई सारे टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पहले से पढ़ाए हुए हैं, तो जो लोग न्यूज़ एनालिसिस फॉलो कर रहे होंगे उनको तो यहाँ पे नोटिस किया ही होगा उन लोगों ने। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका IR जो है जून टू लेके अगस्त वाला फिनिश हो जाएगा। तो मैंने आपका IR पूरा कंप्लीट करवा दिया, मतलब अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज़ आपका जो पुराना मई से है, मई 2019 से लेके अगस्त 2020 तक का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटी मैंने आपका ऑलरेडी करवा दिया है, आधा अभिनव सर ने करवाया था, आधा मैंने करवा दिया, और बाकी जो बचा हुआ है अभी IR हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं इकोनॉमी उठाऊंगा क्योंकि इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आई है। तो मैंने सोचा था कि मैं कल्चर और सोशल इशूज़ करवा दूंगा, पर यहाँ पर चूंकि इकोनॉमी के लिए ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा है तो इकोनॉमी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।